Good morning, friends. Myself, dietitian Gautam Jani, and exercise therapist at Fitness with Gomzi. आज मैं इस YouTube के माध्यम से आपके सामने बहुत ही यूनिक टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जिसका नाम है सर्वाइकल पेन, मतलब आपके जो शोल्डर्स और आपके जो ट्रेपेजियस है वहां पे कंटिन्यूसली पेन होना। ये किसी लिए मेजरली होता है कि जब आप 8-10-12 घंटे कंटिन्यूसली कंप्यूटर के सामने वर्क करते हैं, और आजकल हर किसी की लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन में, वो टीचिंग में हो, वो फिटनेस और एक्सरसाइज में हो, वो बिजनेसमैन हो, वो कंपनी में काम जॉब करता हो, सैलराइज पर्सन हो, हर किसी को कंटिन्यूसली 8-10 घंटे ऑफिस पे चेयर वर्क करना पड़ता है कंप्यूटर के सामने। टेक्नोलॉजी आज हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसी पर चर्चा करेंगे कि भाई सर्वाइकल पेन, अगर यहाँ के पार्ट पे आपको पेन है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ 3 दिन के अंदर। सबसे पहले ये एक्सरसाइज आपको करनी है हर 1 घंटे के बाद, मतलब दिन में आपको ये मिनिमम 5 बार करनी है। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 8 बार करनी है, अगर आप 12 घंटे काम करते हैं तो 12 बार करनी है। ये एक्सरसाइज आपको ऑफिस में ही करनी है, इसके लिए कोई प्रकार का इक्विपमेंट नीडेड नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके हाथ है वो सामने लाने हैं। सामने लाने के बाद आपको हाथ बाजू में ले जाने हैं, और सिंपल दरवाजा बंद कर रहे हो इस तरह से, आपको दरवाजा बंद करना है। दरवाजा बंद करते टाइम ब्रीद आउट, दरवाजा खोलते टाइम ब्रीद इन। ये हुई आपकी पहली एक्सरसाइज। इसके आपको 10 रेपिटेशन करने हैं पहली एक्सरसाइज की, और एक सेट करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी एक्सरसाइज। आपने जैसे दरवाजा पहली एक्सरसाइज में बंद किया, अब आपको सबसे पहले आपके हाथ ऊपर ले जाने हैं, ब्रीद आउट, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, नीचे ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नीचे ब्रीद इन। अब हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज, वो है नेक रोटेशन। आपके हाथ कमर पर रखेंगे और नेक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस एक्सरसाइज के दौरान आंखें बंद रखिएगा, वरना चक्कर आने के चांसेस है। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ये हुई आपकी तीसरी एक्सरसाइज। तो ये तीसरी एक्सरसाइज भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और एक सेट करना है। सेकंड का भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और एक सेट करना है। अब चौथी एक्सरसाइज देखते हैं। आपको आपके हाथ को घुमाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसे बोलते हैं शोल्डर रोटेशन। इसी तरह से आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, जिसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन। ये भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं और एक सेट करना है। अब हम देखेंगे पांचवी एक्सरसाइज, जिसमें आपको नेक के स्ट्रेचेस करने हैं। नेक के स्ट्रेचेस के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप अपना नेक राइट साइड पे स्ट्रेच करें, लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच करें, नीचे स्ट्रेच करें और ऊपर स्ट्रेच करें। अगेन चारों बाजू, राइट, लेफ्ट, नीचे एंड ऊपर। तो ये हुई आपकी पांचवी एक्सरसाइज। ये 5 एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में, और ये हर 1 घंटे पे करोगे, मतलब 8 घंटे तो 8 बार, 10 घंटे तो 10 बार, और 12 घंटे तो 12 बार, हर घंटे 1 बार करोगे खड़े होकर, तो आपकी बॉडी का सर्वाइकल पेन, मतलब शोल्डर्स का पेन और ट्रेपेजियस का पेन 3 दिन में 90% कम हो जाएगा, और 1 महीना करने के बाद वो बिल्कुल चला जाएगा। दूसरी टिप मैं यह देना चाहूंगा कि कई बार हम लंबे टाइम तक खाना अवॉइड करते हैं, तो खाना अवॉइड करने से भी हमारी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते, सिर्फ नेगेटिव चेंजेस आते हैं। तो खाना अवॉइड मत करें। और थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगा कि पानी पीना जरूर रखें। पानी अगर आप नहीं पीते तो आपके मसल जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते एक टाइम के बाद। तो स्पेशली पानी ज्यादा पिए। पानी पीने से आपके मसल अच्छी तरीके से ड्राई नहीं होंगे, और आपके सर्वाइकल इश्यू और कोई भी बैक के इश्यू होने के चांसेस कम है। ये एक्सरसाइज कौन कर सकते हैं? तो बिजनेसमैन, ऑफिस पर्सन, सैलरीज पर्सन जो बहुत ड्राइविंग करते हैं, मार्केटिंग पर्सन,
सब तरह के लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, जैसे ही आपका दर्द कम हो जाए, इस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को कम कर दे। कम मतलब कितना कम करें, तो एक टाइम के बाद आप दिन में 2 या 3 बार इस एक्सरसाइज को करें एंड इस एक्सरसाइज से आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और अगली बार ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यूसली देखने हैं तो एक सपोर्ट आपको करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो आता है इस तरह का तो आपको पता चले कि भाई ये वीडियो अपलोड हुआ है। एंड आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, कि जिससे आप कंटिन्यूसली नए वीडियो का माध्यम हमारे माध्यम से मिलते रहे। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज को, जिसको भी इस प्रकार की डिफिकल्टी है, सॉल्व करिए, शायद आपकी वजह से उनकी ये डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।